Welcome to today's learning class, online learning class. The topic of discussion is last class में पहले हम लोगों ने क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा टॉपिक को रिवाइज कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस बात को कि आपने देखा होगा एसिड क्या होती हैं, बेस क्या होती हैं और सॉल्ट क्या होती है। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड विच गिव्स शॉर्टेस्ट, अगर मैं एसिड को अगर किसी भी लिटमस पेपर में डालूं तो वो ब्लू लिटमस को वो कन्वर्ट कर देती हैं रेड में। और उसकी क्या प्रॉपर्टी थी एसिड के, पहला तो तुम्हारा ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर रही है रेड में, दूसरे शॉर्टेस्ट हैं, ठीक है ना। और भी और जो एच पॉजिटिव आयन देंगी दैट इज़ कॉल्ड एसिड कहलाती हैं, ठीक है। बेसिस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो बेसिस में हमने क्या था, सबसे पहले देखा था कि बेस विच गिव्स बिटर इन टेस्ट, तो बेस के एग्जाम्पल बहुत सारे थे, ठीक है। और सोपी इन टच, काफ़ी स्मूथ होती है बेस को अगर हैंड में लिया जाए तो काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देती है वो, ठीक है ना, आपके हैंड को काफ़ी स्मूथ कर देती है वो, ठीक है ना। तो बेसिस के एग्जाम्पल जैसे बेकिंग सोडा हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे सोप सोल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आप विंडो क्लीनिंग के लिए यूज़ करते थे, तो हमने लास्ट क्लास में पूरा डील किया था बहुत अच्छे से इसको। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को कि इस टेबल में जितने सारे कॉलम्स बने हैं उनको एसिड बेस के अकॉर्डिंग जो भी इंडिकेटर्स के जरिए जितने भी यहाँ सब्सटेंस मौजूद हैं आप उनको फिल करोगे। तो आपने आई होप आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सब एक एक करके हर एक पॉइंट को, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप उसको अपने नोट कॉपी में अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। अगर कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं किया होगा तो आप कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो लेमन जूस जो आपने देखा था रिमेन द सेम, किस में ऊपर में देखोगे लिखा हुआ इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर में अगर आप डालोगे लेमन जूस को तो कैसी बिहेव करेंगे वो रिमेन सेम रहेंगी। जैसे ही आप उसको ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो जाएगी ब्लू वाली। और ये किस तरह के नेचर शो करेंगी, केमिकल नेचर, एसिडिक नेचर करेंगी शो, ठीक है। नेक्स्ट टैप वाटर, टैप वाटर कैसी होती है, एज यू नो दैट योर ब्लड पीएच, मतलब ब्लड की अगर देखी जाए पीएच तो वो 7 होती हैं, ठीक है। जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, टैप वाटर क्या होती हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, कैसी है, न्यूट्रल है, लिख सकते हो आप NEUTRAL, न्यूट्रल सब्सटेंस। वाटर इज, टैप वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस को आप जब भी लिटमस पेपर में डालोगे वो रेड में डालो ब्लू में डालो इनका कोई इफेक्ट, कोई कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब भी आप किसी भी लिटमस पेपर में किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन को डालोगे तो उनका कलर कुछ चेंज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता हूँ, उसके बाद अगर बात करूँ मैं वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा मैंने बताया था कि वाशिंग सोडा क्या होती हैं, वो भी बेस होती हैं। तो बेस जैसे ही आप किसी रेड लिटमस पर डालोगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर ब्लू लिख लोगे आप, ठीक है, थर्ड वाले में ब्लू लिखोगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, जैसे ही आप उसको अगर ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे तो देर इज़ नो एनी इफेक्ट, लिखोगे यहाँ पे नो इफेक्ट, ठीक है। थर्ड में डालोगे क्या है, थर्ड में, और किस तरह के नेचर को शो करेंगे वाशिंग सोडा किस तरह के नेचर को शो करेंगे, यहाँ पे लिखना बेसिक, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड में देखते हैं हम लोग क्या है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, तो डिटर्जेंट इज ऑल्सो ए बेस, ओके। तो बेस किस पे इफेक्ट करेंगी, आप देखो रेड लिटमस को वो कन्वर्ट कर देंगी ब्लू में, बेस है, डिटर्जेंट भी बेस है, तो यहाँ पे रेड को वो ब्लू में कन्वर्ट करेंगी, तो यहाँ पे लिख लोगे ब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे रेड लिटमस में ब्लू हो जाएंगी, लेकिन ब्लू में नो एनी चेंज, रिमेन द सेम। थर्ड में नेचर कैसी होंगी, बेसिक नेचर होंगी, ठीक है, ध्यान से लिखते जाओगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब मैंने बताया था ये कैसे है, बेसिक सब्सटेंस है, तो बेसिस कहाँ पे अपनी कलर्स को चेंज करती हैं, जहाँ रेड लिटमस पेपर हो, रेड लिटमस में अगर बेस को डालूं तो वो ब्लू में कन्वर्ट करती है, इनका भी ब्लू होगा, ये भी बेस है, ठीक है, बेसिक नेचर मतलब। और उनका इफेक्ट देखा जाए ऑन ब्लू लिटमस पेपर देर इज नो एनी कलर चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेन सेम। एरेटेड ड्रिंकिंग, तो एरेटेड ड्रिंकिंग के बारे थोड़ा ड्रिंक के बारे बता दूँ,
एरेटेड ड्रिंक, जहाँ एरेटेड ड्रिंक की बात आए तो आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ठीक है ना, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स आपका क्या होता है, एरेटेड ड्रिंक होती है ठीक है। तो उनको तो अब वो कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में डाली जाती है ताकि, और जैसे ही कार्बन को हम लोग जब उसमें मिक्स करते हैं उस ड्रिंक में, तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप ड्रिंक को कंज्यूम करते हो तो आपको डकार आती है ठीक है, एक्चुअली में वो क्या होती है, CO2 गैस आपके माउथ से बाहर आती है ठीक है। नेक्स्ट दिखाओगे आप, नेक्स्ट देखोगे क्या है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज आल्सो बेस, यहाँ यहाँ पे क्या लिखोगे बेकिंग सोडा में, ये भी बेसिक कैरेक्टर शो कर रही है, तो यहाँ पे बेसिक लिख दोगे यहाँ पे ठीक है। उसके बाद इनका इफेक्ट देखोगे अगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर में, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगी ठीक है। उनके बाद यहाँ पे इनका ब्लू लिटमस पेपर में देयर इज नो एनी इफेक्ट, और यहाँ लिखोगे रिमेन सेम कलर नॉट चेंज ओके। उनके बाद आती है सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन हम लोगों ने पीछे टेबल में देखा था वो कैसी बेसिक कैरेक्टर शो कर रही थी, तो सोप सॉल्यूशन में जहाँ बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे तो वो रेड लिटमस को इफेक्ट करेंगी, वो क्या करेंगे, वो रेड लिटमस को इफेक्ट करेंगी और कन्वर्ट कर देंगे, उन्हें ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ठीक है। तो यहाँ ब्लू लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमेन सेम ठीक है, दोनों एनी कलर गॉट इट। उसके बाद देखोगे यहाँ क्या लिखोगे, केमिकल नेचर में यहाँ पे लिखोगे ये बेसिक सब्सटेंस, क्या लिखोगे बेसिक ठीक है। उनके बाद अब आता हूँ मैं, सोप सॉल्यूशन हो गया नाइन्थ, उनके बाद आता हूँ वेनिगर। तो वेनिगर मैंने बताया था कि किस तरह से शो करती है, इनमें एसिड होती है, कौन सी एसिटिक एसिड होती है, तो मतलब एसिड प्रेजेंट है तो कहाँ पे, जब भी एसिड मौजूद होती है किसी भी सब्सटेंस में, तो हम लोग ब्लू लिटमस में उसका चेंजेस दिखते हैं, तो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर तो ये क्या करेंगी, रेड में कन्वर्ट कर देंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगी, ये रेड हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या होगा, रिमेन सेम, क्या लिखोगे रिमेन, यहाँ पे लिखोगे आप रिमेन सेम ठीक है, और यहाँ लिखोगे रेड इट टर्न्स इनटू रेड ओके। और यहाँ पे केमिकल नेचर में आप क्या लिखोगे, वेनिगर के लिए 0.2 0.10 में आप यहाँ वेनिगर के लिए लिखोगे यहाँ एसिडिक ठीक है, केमिकल नेचर एसिडिक ठीक है। उनके बाद अब मैं बात करूँ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, और इनका कैसा होगा, ये न्यूट्रल सब्सटेंस होगी, न्यूट्रल सब्सटेंस होंगी। उसके बाद आते हैं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन दिस सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, इसमें भी डैस, और अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखना रिमेन सेम, और थर्ड में क्या करोगे, इसमें लिखोगे न्यूट्रल सॉल्यूशन लिखोगे ठीक है, क्लियर। अब आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चलो पढ़ के देखता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी है, यू विल ऑल्सो नोटिस दैट इट इज सम सब्सटेंस सच एज शुगर सॉल्यूशन, द कलर ऑफ रेड एज वेल एज द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया उस टेबल में, तो शुगर सॉल्यूशन का क्या होता है, ब्लू लिटमस पे, और हमारा क्या होता है, रेड लिटमस पे, देयर इज नो एनी कलर चेंजेस होती है, अनचेंज रहती है कलर ठीक है। सच ए सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर एसिडिक, तो ऐसे सब्सटेंस को हम ना एसिडिक कहेंगे ना बेसिक सब्सटेंस कहेंगे ठीक है, बेसिक इन नेचर कहेंगे। तो सच ए सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस होंगे, वो न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे। तो वाटर, अल्कोहल, ऑक्सीजन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। देख सकते हो आप यहाँ पे मेंशन की हुई न्यूट्रल सब्सटेंस कौन कौन है, वाटर है, अल्कोहल है, ऑक्सीजन है, सॉल्ट है, शुगर सॉल्यूशन है, और न्यूट्रल इन नेचर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अभी तक मैंने देखा एसिड बेस और सॉल्ट, प्लस मैंने टेबल सॉल्व किया कि किस तरह से शो करेंगे वो नेचर, अलग अलग लिटमस पेपर पे उनका इफेक्ट क्या होगा। और मैंने देखा यहाँ पे कि न्यूट्रल सब्सटेंस किन्हें कहते हैं जिनका रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स में, एक तुम्हारे टर्मरिक के बारे में, तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो वो किस तरह से होती है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं, क्या है ये टर्मरिक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हल्दी, विच इज़ यूज इन द किचन एज ए फूड इंग्रेडिएंट, और फूड इंग्रेडिएंट कैसा भी यूज़ किया जाता है इनको, इज ए न्यूट्रल नेचुरल इंडिकेटर, ये कैसी बिहेव करती है, नेचुरल इंडिकेटर के जैसा बिहेव करती हैं ये ठीक है। तो अब देखोगे इट इज़ ए येलो इन एसिड एंड न्यूट्रल मीडियम एंड रेड इज ब्राउन इन ए बेसिक मीडियम। तो यहाँ देखोगे जब भी आप एसिडिक मीडियम में इसको डालोगे तो ये कैसी शो करेंगे, इट इज़ येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम ओके। और जैसे ही इनको आप अगर डालोगे इसमें बेस मीडियम में, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी रेड इज ब्राउन इन बेसिक मीडियम ठीक है। रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन ए येलो
स्टेन्स ऑफ कुक वेजिटेबल ऑन योर वाइट शर्ट इज वॉश्ड विद सोप। जब मैं किसी भी वाइट शर्ट में अगर मान लो कि वेजिटेबल के कुछ पार्ट अगर आपके लग जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही मैं किसी सोप से उसको रब करता हूँ तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है? इट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सोप। क्या आपने देखा है इस चीज़ को? क्या आपके वाइट क्लॉथ में अगर मान लो कुछ वेजिटेबल्स जो कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं उनका अगर यहाँ पे लग जाए आपके ड्रेसेस में और उसको वॉश करो अगर इनसे डिटर्जेंट से या फिर सोप से तो वो किस तरह के कलर में कन्वर्ट होती है? रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट शोज दैट रेड इज ब्राउन कलर व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सोप कलर्स सोप सॉल्यूशन। दिस इज बिकॉज ऑफ सोप सॉल्यूशन द बेसिक इन नेचर। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि इसमें सोप में क्या होती है बेसिक नेचर जिस वजह से वो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाती है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस विथ टर्मरिक पाउडर। अब टर्मरिक पाउडर से कुछ कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्टिविटीज 5.2 में देख सकते हैं आप। तो क्या यहाँ शो कर रहा है वो देखिए आप। टेस्ट नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस यूजिंग टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो अलग अलग सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसे हम टर्मरिक कह रहे हैं। तो किस तरह करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक इन अ बॉल। बॉल में आप क्या करो कि बहुत सारे टर्मरिक डाल दो। ठीक है ना, टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर इन द बॉल, एड सम वाटर इन द बॉल टू मेक ए पेस्ट। अब उनको एक पेस्ट का फॉर्मेशन कर लो आप। ठीक है, पेस्ट बन गया। टेक ए फिल्टर पेपर एंड यूनिफॉर्मली अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ओवर इट। एक फिल्टर पेपर में क्या करो कि वो पेस्ट को टर्मरिक पेस्ट उस पेपर पे टर्मरिक का पेस्ट लगाओ। नाउ लीव इट टू ड्राई एट ए 15 to 20 मिनट। फिर क्या करो आप उसको 15 to 20 मिनट के लिए छोड़ दो। कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो टर्मरिक पेपर। अब उसे कट करो। कलेक्ट सोप सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, लेमन जूस। ठीक है, ये अलग अलग जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं इनको आप कलेक्ट करो। ठीक है, अपने बाजार से या फिर अपने घरों से जितने सारे सॉल्यूशन यहाँ दिख रहे हैं आपको सबको यहाँ पे कलेक्ट करो। वन बाय वन पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन द थिन स्ट्रिप ऑफ येलो टर्मरिक पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब क्या करो, ड्रॉपर के जरिए सभी के सॉल्यूशंस को जिस पेपर को मैंने अभी टर्मरिक से पेस्ट लगाया था उसमें आप क्या करो, स्मॉल स्ट्रिप को काट लो उस पेपर को और उस पर क्या करो ड्रॉप वाइज हर एक सॉल्यूशन का उसमें क्या करो एक ड्रॉप डालो और देखो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन द टेबल गिवन बिलो। तो क्या होंगी, आप इसको इस टेबल में फिल करके आप एक घर पे एक बार ट्राई करके देखोगे इसको। ठीक है, जो भी अवेलेबल है यहाँ पे जैसे लेमन जूस है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना पानी, वाटर भी है, वेनेगर जो आप घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, सोडा वाटर मतलब कह सकता हूँ कि आप सोप सॉल्यूशन को उसका सॉल्यूशन बना लो, शैम्पू को देख लो। ठीक है ना, इसको क्या करो सबको अपने घर में अलग अलग छोटे से जार में उसको सॉल्यूशन बना करके उसको ड्रॉपर से लेकर के उस टर्मरिक पेस्ट के पेपर पे आप ड्रॉप वाइज वन बाय वन डालते जाओ और उसका ऑब्जर्वेशन करो क्योंकि वो कलर किस तरह से कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद क्या करो यहाँ पे ये टेबल जो आपको यहाँ पे देख रही है एम्प्टी इसमें फिल करना शुरू करो। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। वॉट एवर द टॉपिक लेफ्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव ए मार्वलस डे।